मातृभाष केंद्रीय महिला मंडल का मातृभाष सभागार में सोमवार से दो दिवसीय हरियाली तीज उत्सव शुरू हो गया। तीज उत्सव में पहले दिन महिलाओं के लिए तीज थीम पर कई प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मातृवैश्य केंद्रीय महिला मंडल का मातृवैश्य सभागार में सोमवार से दो दिवसीय हरियाली तीजोत्सव शुरू हो गया। तीजोत्सव में पहले दिन महिलाओं के लिए तीज थीम पर कई प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मातृवैश्य केंद्रीय महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपिका डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कोरोना के चलते दो साल बाद वृहद स्तर पर महिला मंडल के द्वारा हरियाली तीजोत्सव का आयोजन ताजनगरी में किया गया है। इस उत्सव की शुरुआत पौधारोपण कार्यक्रम के साथ की गयी। मातृवैश मातृशक्ति के द्वारा हमारे आगरा की आन बान शान ये हरियाली तीज उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष हम 16वां मना रहे हैं। और आज जिस नगर में मनाया जा रहा है, बाबू रोशनलाल सराफ नगर में मनाया जा रहा है उनकी माता जी की याद में। और आज यहां पर हम लोगों ने वृक्षारोपण करके इसका शुभारम्भ किया है और 16 वृक्ष लगाकर औषधि वाले। आज हमारा हरियाली तीज का उत्सव ये दो दिवसीय उत्सव है। यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं आज। और एक और विशेष हमने अपना पहल की है बेटियों को अपने मातृवैश जो हमारी बेटियां हैं उनको समाज से जोड़ने की। आज हम एक सेविका दल बनाएंगे और जब हमारा विभिन्न कार्यक्रम होंगे उस सेविका दल की सहायता हम उनसे लेंगे। आज हमारा 16वां तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसकी हमने शुरुआत 16 पौधे लगाकर शुरुआत की है। उसमें हमने औषधि के पौधे लगाए हैं, आंवला, बेलपत्र, नीम, नींबू, अर्जुन के ऐसे हमने आज 16 पौधों से हमने इसकी शुरुआत की है। हरियाली तीज उत्सव में अतिथि के रूप में आमंत्रित मातृवैश्य महासभा के मंडल अध्यक्ष ने इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए मातृ शक्ति को शुभकामनाएं दी। आगरा मंडल की हमारी महिलाओं के द्वारा ये हरियाली तीज 16वां केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमती दीपिका गुप्ता जी के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। बहुत जोर शोर से सब बच्चों के कार्यक्रम, बच्चों की प्रतियोगिता, जैसे साज सज्जा है, लेखन है, रंग है, सब अलग अलग प्रतियोगिता हो रही है, मल्हार भी गाई जा रही है, पूरी हरियाली थी 16वां कार्यक्रम। इसमें मेन इनका पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, उस पर विषय। हरियाली तीज उत्सव में महिलाओं में मल्हार गीत प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान महिलाओं ने सुंदर मल्हारी गीतों की प्रस्तुति दी। तीज उत्सव में महिलाओं ने मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता में एक दूसरे के हाथों पर सुंदर मेहंदी सजाई। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।